rebecca, what i'm about to ask you is something that might be uncomfortable for some listeners and viewers. okay. Mm -hmm. so viewers' discretion is advised. please. 18 plus, baat hai. yes, it's 18 plus. okay. maybe madam rebecca will be able to support on this. i recently scanned my husband's phone and saw some intimate chat with one of his colleagues who is married. And has one kid as well. Now, okay. It's very sensitive. Take care. I always thought they are close friends, but now I have evidence of him cheating on me, that too with a man. Cheating on her with a man. With a man. I am in an immense emotional trauma. Now all his absence and secretive phone calls have started making sense. I feel cheated, I feel lied, I feel shattered. आई वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हिम कान डिसाइड हाउ शुड आई रिएक्ट आई वॉन्ट टू ड्रिंक बाथरूम एसड एंड फिनिश इट बट आई थिंक अबाउट माई किड वट शुड आई डू माई गॉड सीट ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक उन्होंने किया मेरे ख्याल में बींगाइफ आई कैन टोटली टोटली अंडरस्टैंड हर सिचुएशन नॉट ओनली हर सिचुएशन बल्कि इन फैक्ट बहुत सारी ऐसी खवतिन होंगी जो इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी बट दे कांट अटर अ वर्ड फॉर मैनी एक्स जेड रीजन और वो ट्रेडिशनल खातिन की तरह पर्दे डालती होंगी कि नहीं 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 ऐसा नहीं या फिर डिनाइल में होंगी कि ऐसा नहीं हो सकता या वट एवर बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस हवाले से दो अप्रोच रखता हूँ पहली अप्रोच है प्री वेडिंग और एक है पोस्ट वेडिंग जो प्री वेडिंग अप्रोच है वो ये है कि घर वालों को तो डेफिनेटली पता होगा कि उनके बच्चे का क्या लच्छन है क्यों भाई प्रॉबेबली ऐसे ही होता है ना घर वालों को तो पता होता है कि और मेजॉरिटी घरों की अप्रोच ये होती है कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा मेरे जहन में एक नहीं अनेक नाम है कि जिनके लक्षण हमें पता थे यार कि वो क्या लोग हैं और उनकी क्या अप्रोच थी लेकिन उसके कुछ अरसे बाद पता चला इनकी शादी हो गई तो यही परेशान थे कि कैसे हो गई हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल लेकिन ये बातें छुपाई जाती हैं ये बातें नहीं बताई जाती तो इसमें जहाँ तक लड़का कसूरवार है या नहीं है ये तो बाद में तय करेंगे लेकिन सबसे पहले तो लड़के की फैमिली कसूरवार है और इस घर ये टेक्निकली घर शैटर हो चुका हुआ है टेक्निकली दिस हाउस इज दिस दिस रिलेशनशिप दिस हाउस इज इज ओवर लेकिन इस हवाले से अगर कोई भी इफ एनी वन इज टू बी ब्लेम्ड दैट इज द फैमिली ऑफ द लड़का हिमसेल्फ सबसे पहले पोस्ट वेडिंग पोस्ट वेडिंग जो जिस जो, जो चीज मैं वो कह रहा हूँ वो दैट इज अबाउट चीटिंग इट डजेंट मैटर चीटिंग किसके साथ हुई है कैसे हुई है बट चीटिंग इज चीटिंग और जब एक रिलेशनशिप वायलेट हो गया है एक रिलेशनशिप में से ट्रस्ट ख़त्म कर दिया गया है और एक रिलेशनशिप को अब्यूज़ कर दिया गया है तो फिर उसके बाद उस रिलेशनशिप में किसी को ये कहना कि नहीं तुम फलां के लिए रहो या तुम उसकी इज्जत की खातिर या अपने घर की खातिर या अपने बच्चे को के ऊपर से वालिद के कहना वट इफ बच्चा कल को बढ़ाओ एंड ही फाइंड्स आउट दैट उसके अब्बा के ये लक्षण है तो फिर क्या होगा लिहाजा ये अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि नहीं आप इस रिलेशनशिप में जुड़ी रहें आप अपने बच्चे को नाम दें वालिद का साया रखें वगैरह वगैरह ये ठीक नहीं है मेरे तो ख्याल में अपेरेंटली uh, जो मुझे उसकी मैसेज से क्लियर हो रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसने ये चीज़ अभी कहीं पे भी डिस्क्लोज की हुई है अच्छा एज़ फार एज़ आई कैन रीड एंड आई कैन जज और वो एक हेल्प सीक कर रही है बंदी जो है शी इज़ जस्ट इन अ ड्रामा शी जस्ट फिगर इट आउट और वो खुद अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब हुआ क्या है उसके साथ एक्चुअली सेकेंडली अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन है एंड शी मस्ट बी इन अ वेरी मच इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन जिसको शायद बहुत मुश्किल अंडरस्टैंड करना तो सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल बंद करें कि इट्स बिकॉज ऑफ यू या आपकी गलती थी या आपने प्रॉपरली शादी में वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जो आपको एज अ वाइफ करना चाहिए था या यू आर दिस यू आर सम हाउ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस ही वॉज ऑलवेज बिन लाइक दिस प्रॉब्लम इज के अनलकीली आप उन, उनकी वाइफ बन गई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कह रही हैं मैं एसिड पी लूँ या फिर मैं अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहती हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी नेगेटिव अप्रोच वाई यू हैव टू यू नो पनिश योर सेल्फ फॉर समथिंग जिसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं एंड अगेन यू सेड दैट यू हैव अ किड ऑल्सो तो अगर आपका एक बच्चा है सो so, मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप कन्फ्रंट करें अपने हस्बैंड को जाएं उन, उनके साथ बैठे और उसको बताएं कि भाई आई जस्ट फिगर इट आउट कि आपका ये प्रॉब्लम है एंड नाउ वी हैव अ किड सो वी नीड टू गो फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच जिसमें हमने ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी के बेसिस के मुताबिक और जो भी आपकी मतलब जो जैसी भी आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक हाउ आर वी गोइंग टू मूव अहेड क्या हमने अपने बेटे के लिए इस इस इट्स नॉट अ मैरिज एनी मोर आई वॉन्ट से बिकॉज रिलेशनशिप इज़ ओवर वही आपकी वाली बात कि शादी का जो एक प्रॉपर रीज़न होता है वो तो ख़त्म हो गया है बट यू गाइज हैव टू डिसाइड ओपनली कि क्या आप लोगों ने अपने बेटे या ट्रेडिशन या किसी सम्हाव किसी भी रीज़न की वजह से क्या इकट्ठे रहना है फॉर सम पर्टिकुलर टाइम एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड जब आपका बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाए अगेन जैसे जब बच्चे को पता चलेगा लाइक फिफ्टीन सिक्सटीन और मे बी

जो भी है मेरे बच्चे को तो सारी सहूलियात मिल रही हैं जो उसको चाहिए जो बतौर चाइल्ड उसका हक है जो उसको मिलनी चाहिए और अगर ये बंदा जो भी करता है वो करता रहे बहुत सारी खवतानी होती हैं जो इस मामले में एक इमोशनल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती हैं लेकिन जिस ट्रॉमा से ये ख़ातून गुजर रही है ना इसमें ये लगता है कि अगर ये जितनी देर इस रिलेशनशिप में रहेगी ये, ये अपने आप को ख़राब करती रहेगी ये अपने आप को तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा ऑब्वियसली वी वी कांट इवन इमेजिन वट यू आर गोइंग थ्रू वी वी कांट इवन यू नो कम क्लोज टू वो माइट बी थिंकिंग राइट नाउ लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि नंबर वन बी ओपन टू द पर्सन जिससे आपको सारे ग्रेवेंसेस हैं नंबर वन नंबर टू सीख हेल्प बजाय इसके कि आप गुस्से में तैश में आके आप सीख हेल्प uh, लोगों से बात करें और इस बात के हवाले से और वो लोग जिन पर आपको अतमाद हो बात करने में ज़्यादा सहूलत है और ये कोई टीटी टीटी कॉलें मार रहा है तो इसको हम जरा फ़ोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आप लोगों से इस लोगों से सवाले से पहले बात करें और जितनी आप ज़्यादा बात करेंगी चीज़ें लेयर बाय लेयर खुलती चली जाएंगी Uh, यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारे मुल्क में मिसिंग है वो है कपल थेरेपी जिसे कहते हैं ठीक है जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जिनके कपल्स में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमारे पास ना रिलायबल साइकोलॉजिस्ट हैं ना साइकैट्रिस्ट अवेलेबल हैं एक बात आपने किसी साइकोलॉजिस्ट को की तो वो वो जो पेशेंट का वो वाला सीन होता है ना कि आपने उनकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी है कॉन्फिडेंशियल फॉर्म वो साइन करते हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं <laughs> मैं, lot, मैं, मैं है इसका वो, yeah. वो डायरेक्ट फोन मिलाता है कि वो आज फला बंदा मेरे पास आया था और उसके साथ तो ये ये प्रॉब्लम है और वो फिर बात सर्कुलेट करते करते दूसरे दिन ही आपके घर में पहुंच जाती है कि भाई मतलब हाँ कोई ऐसा सीन है, बिल्कुल ये सही बात है एथिक्स का एक बहुत बड़ा मसला और ये सिर्फ सकेटरी में नहीं है ये पाकिस्तान में हर जगह पे यहाँ पे कोई प्रेशर प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो कि लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स ट्वीट कर देते हैं या फेसबुक पोस्ट बना के ला देते हैं इफ्लानी की मेडिकल रिपोर्ट भाई आप होते कौन है सारी दुनिया में लोगों के मेडिकल लाइसेंस बात में मंसूख हो जाते हैं बट मेरे ख्याल में बुनियादी चीज जो आप जिस चीज से गुजर रही हैं उस चीज में आपके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो ये दैट तो यू शुड गेट इमोशनल हेल्प यू शुड गेट मेंटल हेल्प एंड अगर टू योर हसबेंड एंड ओपन ओपन अप ओपन अप कम आउट टू दोनों मिलकर डिसाइड करें कि अब आपने आगे कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना बिकॉज यू कांट जस्ट स्टे इन दिस रिलेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ I think that's enough for that's today. That's totally. Teen stories are here, and you will join us. Well, this is Queen and Jack show for today. Thank you. Allah is on